एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती है, उन्हें कभी भी कैसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस पुलिस वाली के साथ जब एक शिकायत पर एनाकोंडा पकड़ना पड़ा। फ्लोरिडा की लियोन काउंटी में पुलिस को एक सांप होने की सूचना मिली। सांप को पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से डिटेक्टिव एमिली शॉ को भेजा गया। एमिली जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक पीले रंग का 9 फुट लंबा एनाकोंडा था। इसे पकड़ने के लिए एमिली को बुलाया गया था। एमिली ने भी अपनी जामबाजी का परिचय देते हुए पहले एक लकड़ी उठाई और एनाकोंडा को मुंह किस ओर है यह पता करने की कोशिश की। जैसे एमिली को एनाकोंडा की पूंछ और मुंह का पता लगा, उन्होंने पूंछ की ओर से उसे बड़ी बहादुरी के साथ पकड़ लिया। जैसे ही एमिली ने उसे हाथ में पकड़ा, वो हरकत में आ गया। जिस हाथ से एमिली ने उसे पकड़ा था, उसी हाथ पर उसने अपनी पूंछ लपेटना शुरू कर दिया। एमिली ने वहां रखे एक बैग में एनाकोंडा को बंद कर दिया। एनाकोंडा को फ्लोरिडा फशी एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर में भेज दिया गया है। शरीफ ने बताया कि ये किसी का पालतू एनाकोंडा भी हो सकता है जो किसी तरह निकल आया हो।